नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब जब सुबह के सबसे पहले बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं एक दुखद खबर के साथ। जी हां, शायरी की दुनिया से एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आई है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राणा का निधन हुआ है। कई दिनों से, आपको मालूम होगा, कई दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 71 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में हुआ था। कविता शहदा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला था। माँ के लिए उन्होंने काफ़ी शायरी की और विश्व भर में वो काफ़ी अपनी माँ पर बोली गई शायरियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दो तस्वीरें आपके सामने। बहुत बड़ी क्षति है, जो कमी अभी खल रही है वो पूरी नहीं हो सकती। मुनव्वर राणा का निधन, एक ऐसी आवाज़ जिसने माँ का मतलब समझाया, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। मुनव्वर राणा के चाहने वालों के बीच में एक दुख की लहर है। जी हाँ, जब भी वो अपनी शायरी बोला करते थे तो उसमें हर कोई रम जाया करता था। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजीव, शायरी की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जो बहुत दुखद है, एक ऐसी आवाज़ जिसने शायरी के ज़रिए माँ का मतलब समझाया और लिखा भी उन्होंने। मुनव्वर राणा ने कहा कि अब माँ नहीं है, संभल कर चलिएगा। और आपने भी कई बार जब हमारी बातचीत हुई तो उनकी शायरियों का जिक्र किया है। कैसे याद कर रहे हैं राजीव आप मुनव्वर राणा को? देखिये, एक अजीम शायर थे और रात इंदौरी जिनका कोरोना में निधन हुआ, उसके बाद मुनव्वर राणा का जाना। अब भारत के शायरों जिनका दुनिया में परचम लहराता था उसमें मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी का नाम सबसे पहले आता था। अब दोनों इस दुनिया में और इनकी युगल जोड़ी की डिमांड पूरी दुनिया में मुशायरे की शान हुआ करती थी। और मुनव्वर राणा, हालांकि 1972 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन मुनव्वर राणा रहने वाले तो रायबरेली के थे, लेकिन उनका ज्यादा जीवन जो है वो पश्चिम बंगाल में बीता। कोलकाता में वो ट्रक का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का करते थे। और शायर वो बहुत बाद में बने, बाद की उम्र में बने। ज्यादातर आप शायरों को देखेंगी वो अध्यापन से या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से रहते हैं और उसके बाद शायरी करते हैं। मुनव्वर राणा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लंबे समय तक रहने के बाद, उम्र के एक पड़ाव बीत जाने के बाद उन्होंने शायरी शुरू की, लेकिन बहुत जल्दी वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम शायरों को नसीब होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पहले गजलों का, शायरी का मतलब इश्किया इजहार था, लेकिन उन्होंने माँ और तमाम दूसरे रिश्तों को अपनी शायरी में शामिल करके एक अलग ही मुकाम हासिल किया। हालांकि वो विवादों में भी रहे। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने के बाद 2015 में जब दादरी का अखलाक कांड हुआ तो उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा विवादों में रहे। उसके बाद अभी एक डेढ़ साल पहले, जब 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब ये बयान देंगे कि अगर दोबारा योगी सरकार आए तो वो पलायन कर जाएंगे। उनका कैराना के पलायन वाली जो खबरें चल रही थी उसको लेकर के एक तो इस तरह के बयानों से वो विवादों में भी रहे थे, लेकिन एक शख्स के तौर पर, एक इंसान के तौर पर वो बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता भी था और अगर आप देखें तो करीब 15 साल पहले या उसके आसपास उनके पैर में एक एक्सीडेंट के में चोट लग गई। उसके बाद वो कभी फिर ठीक ना हो सके। वो हमेशा लंगड़ा के भी चलते थे, वो कपड़े भी ऐसे पहनते थे, पूरे खुले कपड़े पहनते थे। उनके पैर का 5 बार ऑपरेशन हुआ था, उनको चलने में बहुत दिक्कत होती थी। बाद में पान वगैरह बहुत ज्यादा खाने की वजह से उनको मुंह का कैंसर भी हुआ। मुंबई में उनका कैंसर का इलाज भी हुआ था। एक बार कैंसर का मुंबई में जब वो एडमिट थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने पूछा मुनव्वर साहब आप क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कैंसर बता रहे हैं। आमतौर पर जिसको कैंसर की बीमारी का पता चलता है तो आधी जान उसकी वैसे ही चली जाती है,
लेकिन वो ऐसे ही बात करते रहते थे। तो फिर मैं जब वो मैं लखनऊ गया और वो मुझे पता चला कि वो मुंबई से आ गए हैं, मैं उनको मिलने के लिए गया जी। तो वो पेट के बल लेते हुए थे और बीड़ी पी रहे थे। तो मैं जब उनके कमरे में दाखिल हुआ, मैंने कहा मुनव्वर साहब आपकी तबीयत कैसी है? बोले ठीक है। और मैंने कहा कि आपको तो कैंसर का ऑपरेशन करा के आया और आपको तंबाकू खाने की वजह से कैंसर हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। तो वो इस तरह के शख्स थे, जब आदमी की जान छोटी हो जाती है तो वो इस तरह के शख्स थे, उनको कोई मतलब जिंदगी मौत से नहीं। वो जब तक जिंदा रहे वो अपने हिसाब से रहे, शायरी करते रहे और हिंदुस्तान की शायरी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया में मुनव्वर राना हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। आज उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनकी चार बेटियां हैं, उनके एक बेटे हैं जो उनका बिजनेस संभालते हैं और वो रायबरेली के रहने वाले। दूसरी बात ये कि वो एक ऐसे शख्स थे जो इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद अपने गांव, अपने अपनी जो जड़ें हैं उनसे लगातार जुड़े हुए भी रहे थे। मैंने आपको बताया कि पीछे इधर विवादों में राजनीतिक खबरों को लेकर के उनके बयानों ने उनको विवादों में भले डाल दिया हो, लेकिन एक शायर के तौर पर उनकी पहचान, एक शायर के तौर पर उनका जो नाम है इस पूरी दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। जी राजीव, शुक्रिया आपका। एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव रंजन, जिनका खुद का एक पर्सनल कनेक्शन था मुनव्वर राणा के साथ, और कहते हैं एक शायर कभी नहीं मरा करता, वो अपनी शायरी में हमेशा जिंदा रहता है।